नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ जीरो डाउट पर। और आज का हमारा बड़ा ही सुंदर वर्ड है, दैट इज स्कूल। देखिए दोस्तों, जब स्कूल का यूज आप एज अ नाउन करते हैं तो इसका मतलब होता है अ बिल्डिंग वेयर स्टूडेंट्स आर टॉट, वो जगह जहां पर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। एंड व्हेन वी यूज इट एज अ वर्ब तो इसका मतलब होता है टीचिंग्स, इट मीन्स टू टीच, किसी को कुछ बताना, किसी को कुछ सिखाना। तो यहां पर इसका मतलब ये निकलता है। इसके थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब देख लेते हैं एक बार। स्कूल, स्कूल्ड, स्कूल्ड। जैसे यहां पहला एग्जांपल लिखा है दोस्तों, माय स्कूल इज लोकेटेड इन द सिटी। मेरा जो स्कूल है वो सिटी में लोकेटेड है। व्हाट इज लोकेटेड इन द सिटी? स्कूल। देखिए व्हाट का जो जवाब होता है दोस्तों, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कहीं ना कहीं कर रहा होता है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन करते हैं। तो वहां पर वो नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। वेस्टर्न कंट्रीज स्कूल अदर कंट्रीज और अदर नेशंस व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू व्हिच शोज देयर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। देखिए जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो दूसरे देशों को सिखाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब देखिए दूसरे कंट्रीज सिखाते हैं, तो यहां पर जो स्कूल का मतलब है वो टू टीच है, सिखाना। एग्जाम्पल देखते हैं। यूरोपियन कंट्रीज डज नॉट नीड टू स्कूल इंडिया, डज नॉट नीड टू स्कूल इंडिया विच साइड इंडिया हैज टू स्टैंड इन दिस वॉर क्राइसिस। कि भैया वेस्टर्न कंट्रीज को ये बताने की इंडिया को बिल्कुल जरूरत नहीं है कि वो किस तरफ खड़ा हो किस तरफ ना खड़ा हो। यहां पर टू स्कूल का मतलब नाउन नहीं है, यहां पर टू स्कूल जो है वो वर्ब से बनाया गया इंफिनिटिव, और यहां पर इसका मतलब निकलता है टीचिंग। ओके, बताना सिखाना। नेक्स्ट देखिए, विल आई स्कूल यू बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। क्या मुझे तुम्हें बेसिक्स सिखाने होंगे किसके? कंप्यूटर की। बिकॉज इट साउंड्स ऑकवर्ड टू डू सो फॉर अ ग्रेजुएट। और ये मतलब थोड़ा ऑकवर्ड है, थोड़ा अजीब है कि ग्रेजुएट बंदे को बेसिक्स बताने पड़े कंप्यूटर के। देखिए दोस्तों, स्कूल एज अ नाउन होता अ प्लेस वेयर द स्टूडेंट्स आर टॉट, where the students are taught, जहां बच्चे पढ़ाए जाते हैं, that building is known as school। लेकिन जब school का as a verb use करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि भैया किसी को कुछ सिखाना, किसी को कुछ teach करना। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये fact अच्छा लगा होगा। Thank you very much for watching the video।